What's up anime? Anime का full form all nerds having interest in mature entertainment. तो मेरे पापा अच्छे भी हो, कैसे हो? आज मैं world की largest leading industry या count leading streaming platform के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और वो platform और कोई नहीं, Netflix है। चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे उसका रुतबा क्या हो, या वो काम क्या करती हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर सबकी एक लिमिट्स होती है, सबको एक लिमिट तक ही उसको उस पास करना होता है। पर नेटफ्लिक्स ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद मेरा नेटफ्लिक्स से भरोसा काफ़ी ज़्यादा उठते जा रहा है, और वो काम है इनका लाइव एडाप्शन बनाना। मैं आज पहली बार नहीं बात कर रहा हूँ, या कोई पहली बार यूट्यूब पे बात नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम से बात हो गई कि नेटफ्लिक्स इतने बेकार घटिया लाइव एडाप्शन बना रहा है। पर अभी भी नेटफ्लिक्स रुका नहीं है, नेटफ्लिक्स अभी वन पीस का लाइव एडाप्शन, यू यू हाकुसो का लाइव एडाप्शन बनाने जा रहा है, जिसपे वो पूरा पूरा पैसा खर्च कर रहा है, एक्टर्स ला रहा है, सेट्स बना रहा है, सीजीआई वीएफएक्स सब पे काम कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात आती है, वो कर क्यों रहा है? इसमें नेटफ्लिक्स का क्या फायदा है? इसमें ऑडियंस का क्या फायदा है? इसमें हम एनीमे वॉचर्स का क्या फायदा है? तो आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। तो चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। You're never going to get my power. Do I look like I need your power? Netflix. Netflix एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ एक ऑडियंस का बहुत बड़ा सोर्स भी है, जहां से ऑडियंस अपना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करती है, इंजॉयमेंट लेती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। तो Netflix हर एक वो चीज़ चाहेगा ऑडियंस को देना, जिससे ऑडियंस उसके ऐप पे अट्रैक्ट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वॉच आ दे। बात तो सही है। इसलिए नेटफ्लिक्स कोई भी कसर छोड़ना चाहता है, छोटी से छोटी एनिमे को लाना या लाइव एडिशन बनाना, डबिंग करना, सबिंग करवाना, गेम्स बनवाना, नेटफ्लिक्स हर चीज़ कर रहा है। और अब तो वो अपने ऐप पे ही गेम्स भी डलवाने लगा है। नेटफ्लिक्स हर एक वो काम कर रहा है जिससे ऑडियंस वो गेन कर सके। पर क्या ये चीज़ काफ़ी है? क्या ये चीज़ Netflix को ऊपर तक पहुँचा पाएगी? नहीं, क्योंकि Netflix जहाँ कोई अच्छे काम कर रहा है, वहाँ बुरे काम भी कर रहा है। Netflix ने पास पूरे कम जितने भी साल में नेटफ्लिक्स ने जितने भी लाइव एडिशन बनाए हैं, कोई भी एक ढंग का नहीं बना, चाहे वो डेथ नोट की हो, चाहे वो ब्लीच की हो, चाहे वो फुल मेटल आल्केमिस्ट हो, या अभी रिसेंटली काउबॉय बेबॉप हो। कोई भी अपने सोर्स मटेरियल को, अपने मांगा को, या अपनी सीरीज को जस्टिफिकेशन नहीं देता है। हाँ, ये लोग अपनी मूवीज, अपनी सीरीज के अंदर जो लाइव दर्शन बना रहे हैं, उसके अंदर 20-20 एपिसोड, 25-25 एपिसोड कवर कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने फुल मेटल आर्कनेस की बस देखी थोड़ी सी एडाप्शन, और मेरा मन उतर गया था, क्योंकि जिस तरीके से दोनों भाइयों की केमिस्ट्री को दिखाया है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है समय, और मन शांत हो जाता है, गुस्सा आता है नेटफ्लिक्स पे, मन करता है नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब मार दूँ, उसको बंद कर दूँ देखना। अरे हाँ भाई हाँ। पर Netflix ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि Netflix ऑडियंस गिनना चाहता है। अब आप भी सोच रहे हो कि ये काम होगा कैसे? तो बहुत बड़ी ऑडियंस एनिमे देखती है, ये बात सही है, पर उससे भी बड़ी ऑडियंस है जो एनिमे नहीं देखती है, और उनको साइंस फिक्शन या कहूँ सुपर नेचुरल या एक्शन या ड्रामा सीरीज देखने में मज़ा आता है। उनको कुछ नया देखना, आउट ऑफ द बॉक्स देखना, और उनको एनिमे नहीं देखना। इंडिया में ही काफ़ी सारे लोग हैं जो एनिमे को मना करते हैं, तुम्हारे ही आसपास के तुम्हारे दोस्त बोलेंगे तुम्हें कि एनिमे मत देख, एनिमे छोड़ दे, क्योंकि उन्हें एनिमे में इंटरेस्ट नहीं है।
उन्हें एनिमेटेड में एनिमल रस नहीं है, उन्हें सब कुछ नेचुरल चाहिए, उन्हें ओरिजिनल चाहिए। इसकी वजह से ही हमारे नेटफ्लिक्स ने ये कदम उठाया, उसको आगे बढ़ा और उसने चीज़ें बनाई। और जब उसने बनाई तो जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल सूक्ष्म दिल नहीं देखा, उनको नहीं पता कि ओरिजिनल की क्या कैपेबिलिटी है, क्या ताकत है, क्या एबिलिटी है। अगर वो सभी जानते तो आज इन सबकी रेटिंग 5.3, 5.9, 6 की नहीं 1 या 2 की रहती। और नेटफ्लिक्स की बात जानता है कि काफ़ी बड़ी ऑडियंस है जो उनकी बनाई हुई चीज़ देख लेगी, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। हम अपनी प्यारी प्यारी, हमारी फेवरेट, हमारी इमोशनली, हमारे दिल से कनेक्टेड एनिमे को जब बर्बाद होते हुए, ऐसे टूटते हुए, लॉजिक लेस एडॉप्शन, 20-20 एपिसोड के सीनों को सिर्फ 2 घंटे की मूवी में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं तो हमारा दिल दुखता है। पर ये चीज़ होती रहेगी, ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स ने सारी एडप्शन बेकार बनाए। नेटफ्लिक्स ने कुछ एडप्शन काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाए, जिनमें से पहले का नाम है साइबरपंक, द विचर, आर्केन, कैसलवेनिया, डूटा, ये सारी काफ़ी मस्त एडप्शन है। पर ये सारे गेम्स हैं, ये सारे गेम्स से लिए एडप्शन है, इसलिए मज़ा आता है देखने में, एक इंगेजमेंट रहती है, एक इंटरेस्ट रहता है और इसको देखते समय हमारा भी इंजॉयमेंट आता है। पर एनिमे लाइव एडप्शन एक काफ़ी बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है और करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब एक राइटर, स्क्रीन राइटर जो नेटफ्लिक्स तरफ से इस सीरीज को देखता है, इस मांगा को पढ़ता है, तो अपने हिसाब से जब कॉस्ट्यूम मेकर्स को हो गया या बाकी एग्जीक्यूटिव्स को बताता है, उनको गाइड देता है, तो वो एक्टर्स को बताते हैं, एक्टर्स को बताते हैं आपको ऐसे एक्टिंग करनी है, तो चाहे वो कितना ही नेचुरल हो वो उस एनिमे जैसा नहीं बना सकता। जब एनिमे बनाते समय मांगा आर्टिस्ट चीज़ों को सोचता है, अपने सामने रखता है, लिखता है, वो तब जाके एक कंक्लूजन पहुंचता है, उसी चीज़ को वापस से लिख के एक एनिमे राइटर पहुंचता है, क्योंकि आप जब एनिमे में उस चीज़ को एनिमेशन थ्रू दिखा रहे हैं तो उसमें भी मांगा का मटेरियल लगता है। पर जब एक बंदा नेटफ्लिक्स एडाप्शन बना रहा है, उसके पास मांगा भी पड़ी है, उसके पास लाइट टॉम भी पड़ी है, उसके पास पूरी सीरीज पड़ी है, तो उसको देख के वो चाहे जितना ज़्यादा देख ले, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर ले, वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्टर्स हैं, उनसे कितना ही काम निकल पाओ के आप, चाहे VFX देख लो यार, VFX की एक लिमिट होती है, हमारे एनिमे में जो वर्ल्ड है, जो बाउंड्रीज है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सब ऐसी ऐसी स्टोरीज लिखकर आते हैं एनिमे में जिसको किसी ने आज तक सोची ना हो, किसी ने सोची ना होगी, और इसलिए ही एनिमे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। पर नेटफ्लिक्स को कौन समझाने जाए, नेटफ्लिक्स ऐसे ही इन सब चीज़ों को बर्बाद करता रहेगा, हमारे सामने बर्बाद करके स्ट्रीम भी करता रहेगा, उसके एड्स भी निकालता रहेगा। पर यहाँ गलती नेटफ्लिक्स की भी नहीं है, जैपनीज इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी यही चीज़ होता है, कोई भी एनिमे आए वो उनका लाइव एडॉप्शन बना दें तो फिर नेटफ्लिक्स भी क्यों ना बनाए। तो इस चीज़ को रोकना होगा तो सीधा रूट से रोकना होगा, जो बिल्कुल जापान से ही आती है। तो जहाँ जापान में एक बहुत बड़ी दुनिया है एनिमे की, वहाँ एक नेगेटिव साइड लाइव एडॉप्शन की भी है, जिससे हमें मानना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को मैं करते करते यही बोलना चाहूँगा कि नेटफ्लिक्स एक चीज़ में अच्छा है, वो है गेम के लाइव एडॉप्शन में, चाहे उसने साइबरपंक बनाई, चाहे उसने द विचर की एनिमे बनाई, चाहे उसने आर्केन, कैसलवेनिया सबकी बनाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही वो गेम्स का एडॉप्शन बनाता रहे और एनिमे को थोड़ा साइड में रखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में रैप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपके लिए नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ रहती हो कि हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर जरूर करना। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Out the coupe at the lot, turning for a 12 for a quad, busting all the bells out the box. I just did a link with the box, had to put the steak in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been tripping like the.